हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और जो वीर का शहर के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे है कि आज से 5 महीने पहले जिस सिस्टर की राइट साइड की जो बाजू है उसके कोनी की हड्डी बाहर निकल गई थी, और जो अर्क होती है उसकी हड्डी, और जिसके कारण जिस सिस्टर बहुत परेशान थे, बहुत दर्द रहती थी, और घर का काम भी जिस सिस्टर ऐसे ही करते थे। और जिस सिस्टर बता रहे हैं कि जैसे जे पहले जिस संगति में फर्स्ट टाइम आए थे तो इनकी फैमिली में इनके पति ने इनको बोला था कि अगर तुम संगति में जा रही तो आज के बाद मैं ना तो कोई मेडिसिन लेकर दूंगा और ना ही कोई अक्सरा कराऊंगा। तो ये बात जैसे इनको याद आई तो जे सिस्टर ने बताया कि मैंने घर में किसी को नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में है। तो जे सिस्टर ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया कि परमेश्वर जी आप मेरी इस प्रॉब्लम को अच्छा कर चुके हो। और जैसे जे सिस्टर संगति में आती थी थर्सडे और संडे की मीटिंग में, और प्रभु के दास जैसे हीलिंग प्रेयर करते थे और जे सिस्टर रिसीव करते थे और जो हड्डी बाहर निकल गई थी और जे विश्वास किया, और उस समय तो परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम को अच्छा किया। पर फिर से जैसे बाइबल में लिखा है कि शैतान अपनी युक्तियों को हमारे जीवन में करता है, तो फिर से शैतान ने अपनी युक्ति इनके जीवन में लड़ाई और जो इनकी कोनी की हड्डी थी वो फिर से बाहर निकल आई, और जिसके कारण जे फिर परेशान थे, क्योंकि जे सिस्टर बता रही कि मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बोला था, ना तो अपने बच्चों को, ना ही अपने पति को, और ना ही जे सिस्टर मेडिसिन ही खा रहे थे। और जे सिस्टर विश्वास में बने रहे और अपने मन को परमेश्वर के आगे लेकर गए, और जैसे ही थर्सडे की मीटिंग में जे सिस्टर आए और प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे और प्रभु के दास अपनी गवाही को बता रहे थे, और जे सिस्टर ने बताया कि मैंने पापा जी की गवाही को रिसीव किया, सबसे पहले हम उस गवाही के क्लिप को सुनते हैं। मेरी टेस्टिमनी सुनी ना, जो मेरे आज से कुछ साल पहले मेरे सिर में आधे आधे सिर में दर्द आ गई थी। हाँ? और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरी, और मैं जानता था और ये वचन मेरे अंदर था, हाँ, कि यीशु मेरा सिर है, मैं उसकी देह हूं, और परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पांव के तले कर दिया। इस वचन को लेकर मैं काम करता था विश्वास से, क्या करता था विश्वास से, मैं वो चीज करता था। और ऐसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और चौथा दिन रोज दर्द हो रही है, और चौथा दिन आ गया, क्या आ गया, चौथा दिन। और चौथे दिन मेरे मन से अंदर से आवाज आई, जिद ना कर, क्या ना कर, जिद ना कर, जहां जाकर मेडिसिन ले ले, क्या ले ले। मैंने किसी को कहता, क्योंकि मेडिसिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा खाना पाप है, हाँ, पर उसकी आंखों को ना मानना पाप है। हाँ, मेडिसिन खाना कहीं पर लिखा नहीं बाइबल में पाप है, पर यह मेरा विश्वास है कि जो खुदा के वचन में लिखा है मैं उसमें खड़ा होता हूं। तो जब मेरे अंदर से आवाज आई कि जितना कर मेडिसिन ले ले जाकर, और मैंने अपने मन को, अपने माइंड को ऐसे कहा, देखकर चुप, ऐसे उसे मैं दबका, चुप। मेरी आशा, मैंने अपने मन को ऐसे कहा, मेरी आशा मेरे परमेश्वर पर है और वो मेरे लिए कर चुका है। जैसे ये वर्ड, ये शब्द मैंने बोला, क्योंकि दाऊद कहता है ना, जब आप भजन सहता जबूर 32:8 ऐत पढ़ते हो तो वहां पे ऐसे दाऊद कहता है, मेरे मन शांत हो जा, क्योंकि मेरी आशा किससे। जब मैंने अपने मन को ऐसे कहा, उसी समय वो दर्द एन ऐसे एक चुटकी से, हाँ, पता ही नहीं, एकदम गैप हो गई। और आज कितने साल हो गए, वो दोबारा कभी भी नहीं आई। तो जैसे ही जिस सिस्टर ने इस गवाही को रिसीव किया, और जो बता रहे कि उसी दिन ही परमेश्वर ने जो इनके कोने की हड्डी बाहर निकल गई थी और दर्द रहती थी, परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम को आज इस सिस्टर को टोटली फ्री कर चुके। और सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो सब, और ये छोटी गवाही नहीं है, बोलो, ये छोटी गवाही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बुद्धिमान है मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और मानता है। उसने अपना घर कहां पे बना लिया, चट्टान पे, है ना। देखो, ये जो अभी गवाही हम सुन रहे हैं, कुछ समय पहले, क्योंकि गांठी, इनको गांठी की प्रॉब्लम थी शुरू में, प्रभु में आने से पहले भी
और बहुत से हालात तो परमेश्वर ने, बहुत से हालातों से परमेश्वर ने अच्छा तो किया, पर कुछ ही से शैतान क्या करता है, अपनी युक्तियों को लड़ाता है ना, किससे दूर करने के लिए, हाँ आपका मन खराब करता है। तो पहले तो इनकी जो ये जो कोनी की हड्डी है ये वाली, पहले बार आ गई ऐसे गैंठिए की वजह के कारण, और प्रभु ने अच्छा किया, पर फिर से शैतान ने उस चीज को दोबारा से इसके जीवन में किया। हाँ क्या किया, फिर से किया, क्योंकि शैतान भी क्या करता है कभी कभी, क्यों लिखा उसकी युक्तियों से अनजान ना रहो, हाँ उसकी पराक्रम उसकी शक्ति में क्या हो जाओ, बलवान हो जाओ। हाँ क्योंकि वो चीजें ऐसी क्यों करता है, क्योंकि आपका मन खराब करे, हाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए। हाँ तो फिर से जब कोने की हड्डी बाहर आ गई तो पति ने भी बोला मैंने कुछ, अब कोई मैंने आप तेरा इलाज नहीं करना, हाँ कोई मैंने मेडिसिन के लिए कोई पैसा भी मैंने नहीं देने मैंने। और जब जी पिछले संडे आए, तुझे जो मेरी अभी आप टेस्टामनी जो मैंने पिछले संडे दी थी अपनी टेस्टामनी, उस गवाही को इन्होंने विश्वास से लिया अपने मन में, और जब घर गए और दृढ़ता से ऐसे श्वास किया कि परमेश्वर आप मेरे लिए भी ऐसे कर चुके, क्या कर चुके हो, जैसे तेरे दास का विश्वास था और तूने अपने दास के जीवन में काम किया, मैं भी विश्वास करती हूं कि आप मेरे जीवन में भी हाँ काम कर चुके हो। और उस गवाही को मन से रिसीव किया और विश्वास किया, और जो कोने की हड्डी बाहर आ गई थी उसी गवाही को श्वास से अपने मन में लेने से, हाँ देखो कभी ऐसे होता है कि किसी की कोने की हड्डी उस बीमारी के कारण बाहर आ जाए और अपने आप फिर क्या हो जाए, एक बंदा किसी चीज को सुनकर विश्वास करता और वो चीज फिर से वहीं पे चली जाए। ये छोटी बात है, बोलो छोटी सी बात है, ये कितनी कितनी, कौन सी बाजू वाली, कौन सी राइट के लेफ्ट थी, राइट कितनी कोनी बार आ गई थी, हाथ से थोड़ा बताओ ऐसे करके, मेरी तरफ देखो कितनी, इतनी सी, हाँ ठीक है सामने, इतनी हड्डी कम से कम एक इंच से कहते हैं ये ज्यादा, बोलो एक इंच से ज्यादा हड्डी कोने की बाहर आ गई, बोलो क्या है, आपको पता जिनको घेंटिया होता है वो चार पाई पे चले जाते हैं और सालों साल उनके हाथ पैरों के जो कुंडे हैं वो मुड़ जाते हैं, फिर वो कभी अच्छे नहीं होते ना मेडिसिन से ना किसी चीज से, पर कौन कर सकता है ये, मैंने कहा कौन कर सकता है ये काम, डॉक्टरों का डॉक्टर, डॉक्टर जीसस के लिए तारीफ करो इस गवाही के लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर, हाँ वो तो मृतों को भी जिंदा कर सकता है, बस विश्वास करने वालों के लिए जैसे लिखा है कि सब कुछ क्या हो सकता है, हो सकता है, इसके विश्वास ने इसके जीवन में आज ये बड़ा चमत्कार किसने किया, उस परमेश्वर के लिए सब जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को हलाते हुए आमेन हालेलुया।